हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में आपको साफ साफ पहले तो थंबनेल से ही समझ में आ जा रहा है, मैं ये इस वीडियो में यही बताऊंगा कि D2D 2022 एग्जामिनेशन मतलब इस साल के एग्जामिनेशंस के लिए आप किस किस सब्जेक्ट्स, कौन क्या सिलेबस है, कौन सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो हम लोग अक्सर हर साल की तरह 2020 से मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ। अगर आप चैनल के नए हैं तो आप चैनल में अगर वीडियो सेक्शन में जाते हैं या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो D2D इन झारखंड करके एक पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन ही है, जिसको आप ओपन करेंगे तो पार्ट 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद बहुत दिन के बाद 5 आया, फिर उस बीच में सिलेबस आया, फिर उस बीच में क्वेश्चन पेपर्स हमने डिलीवर किया 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 में एग्जामिनेशन नहीं हुए थे कोविड की वजह से, तो फाइनल ईयर के मार्क्स पे ही प्रमोशंस हुआ था और उनके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनी थी। जब 2021 आया तो यही कन्फ्यूजन्स हुए कि एग्जामिनेशन इस साल होंगे कि नहीं होंगे, तो फाइनली इस साल एग्जामिनेशन हुए 2021 में, बीते साल में। उसकी क्वेश्चन पेपर की अगर बात कर ले तो बहुत लोग मांग रहे थे, तो उसके क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। क्वेश्चन पेपर मैं नहीं बोलूंगा, जो भी आंसर सेट्स आए थे क्वेश्चंस के साथ कि किस कैंडिडेट का क्या रिजल्ट है, क्या उसने मारा, फिर क्या उस सही आंसर, तो उस तरह से है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स आप कहीं भी ढूंढ लेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, तो आपको आंसर सेट्स के हिसाब से ही मिलेगा। तो मैं बाकायदा उसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस कैंडिडेट से मैंने पूछ लिया, उन कैंडिडेट से मैं इजाजत लेके उनका आंसर सीट भेजूंगा, क्योंकि उसमें क्या होगा उनका नाम डिस्क्लोज होगा, ठीक है? तो इसके वजह से, तो इस चीज़ के लिए मुझे पहले इजाजत लेनी होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आंसर सेट्स हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट के हों, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट के हों, चाहे इवनिंग शिफ्ट के हों, ठीक है? तो हमारे पास दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स है, तो आप वो इजिली देख सकते हैं। तो बस हमें बस इजाजत लेने की देरी है, उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में वो मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? इसलिए क्योंकि मैं वहां पर ज्वाइन इसलिए होने बोल रहा हूँ ताकि वहां पे जो भी क्वेश्चन पेपर्स मैं बना के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ों के लिए चार्ज नहीं लेता हूँ, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, अभी बहुत पहले से डिलीवर दे रहा हूँ। आप टेस्ट सीरीज 1 देख लीजिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, टेस्ट सीरीज 2 देख लीजिए, मैथ्स का सेट पेपर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इस तरह से मैं बात करूंगा और आपको स्क्रीन में सामने दिख भी रहा है कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से हम लोग बोलते हैं EEC करके लिखा हुआ आपको मिलेगा, आगे जाके भी आप देखोगे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप कब आएगी, तो मई जून के आसपास आएगी, ठीक है? या अप्रैल मई से स्टार्ट होती है, देखते हैं जैसे भी साल क्या करती है। तो आगे बात कर रहे थे सिलेबस क्या है इसका, आपको स्क्रीन के सामने सिलेबस दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कौन से चैप्टर मतलब क्या सिलेबस होगा, किस तरह से बेसिक होंगे, डीप डाउन सिलेबस होगा। तो बेसिकली जो सिलेबस उठाया जाता है वो क्लास 11th एंड 12th का होता है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो 10th क्लास से डिप्लोमा में आते हैं, बहुत ऐसे जो 11th 12th करके आते हैं, तो जो 10th करके आते हैं उनको रियली मगर वो क्लास 11th 12th बहुत अपना डीप डाउन पढ़ने चले जाएंगे, तब तो फिर अपना आप टेक्निकल डिप्लोमा पे ध्यान देंगे या फिर आप क्लास 11th 12th ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इच्छुक होते हैं शुरुआत से ही कि मैं बीटेक करने जाऊंगा, तो शुरुआत से ही लगे रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बाद से ही वो लगे रहते हैं कि कैसे D2D का प्रिपरेशन किया जाता है। तो अगर आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मैं आपको कुछ कुछ बिंदुओं पे आपका नजर मैं आपको डालना चाहूंगा। ये चीज कि जब 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा टफ लगेगा उस सिलेबस, जिसमें बहुत डीप पॉइंट पे मतलब बहुत ही बेसिक से उठ के मतलब बहुत अंदर से क्वेश्चन उठाए गए थे। आप क्वेश्चन पेपर देखना आपको खुद समझ में आएगा। 18 के आप आएंगे तो थोड़ा सा उससे कमतर मतलब आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लगेगा। जब 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको काफी इजी से क्वेश्चन पेपर आपको लगेगा कि हाँ आप बेसिक अगर जानते भी हैं, जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जानते हैं, इंटीग्रेशन जानते हैं, डिफरेंशिएशन जानते हैं, वेक्टर्स जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, ये सब चीजें जानते हैं, तो आप 60% इजिली क्वेश्चंस बना के आ जाएंगे। मतलब 60% की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चंस हर सेक्शंस में होते हैं, 50 ईच होते हैं, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, तो 150 नंबर्स का क्वेश्चन होता है, पर क्वेश्चंस पे एक नंबर मिलते हैं और गलत होने पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है? तो ये चीजें आप 50 अगर मैथ्स में बना ले रहे हो, और ये सब 2019 का क्वेश्चन पेपर का अगर मैं बात तुलना बोलूँ, तो अगर आप 60% स्कोर कर रहे हैं मतलब 50 में आपका 30-35 के आसपास आप इजिली स्कोर कर ले रहे हैं, और वो अच्छा स्कोर है। अगर आप मैथ्स में 50 से 30-35 उठा लेते हैं और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के आप 30-35 के आसपास उठा लेते हैं, दोनों में मिला के सोच लीजिए, 100 में 30-35 और 50 में 30-35, और मैं ये भी बोलूंगा कि मैथमेटिक्स में स्कोर करना बहुत रियली में ईजी है, रियली में मैथमेटिक्स ही सबसे स्कोरिंग पेपर होता है, चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात कर ले, SSC के आप एग्जामिनेशन देते होंगे और भी अदर अदर स्टेट्स के एग्जामिनेशन देते होंगे, सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन देते होंगे, तो सबसे हर कोई आपको यही बताएगा कि मैथमेटिक्स ही सबसे ईजीस्ट पेपर होता है स्कोर करने के, क्योंकि
फिजिक्स सबको ही पढ़ के आएंगे, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री सबको ही पढ़ के आएंगे, मैथमेटिक्स आप पढ़ो, मैथमेटिक्स वही पढ़ेंगे जिनमें जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो रटने की चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो यहीं पर आप सबसे अच्छा स्कोर करके दिखा सकते हो और इजिली आप बीआईटी सिंदरी, क्योंकि मेन मोटिव मेरे ख्याल से आप सबका वही होगा कि आप बीआईटी सिंदरी की ओर आगे बढ़ेंगे, तो बीआईटी सिंदरी जाने के लिए आप 50 प्लस स्कोर कर लेंगे तो आप करीबन एक सेफ पोजीशन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपका करीबन सीट्स आपके लिए कन्फर्म है कि आप 80% से ज़्यादा आपको सीट्स वो मिल ही जाएंगे फर्स्ट राउंड में, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं भी मिलता काउंसलिंग में तो सेकंड राउंड मिलता है। और आपको ये पता ही कि ये चैनल आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड और फिर जो सिलेबस है डी टू डी के से रिलेटेड या फिर जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड हम लोग बनाते हैं, तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि कभी भी हम लोग लाइव आएँ, ये जो भी अपडेट्स जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करें वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पर पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशंस नहीं आपके आएंगे तो आप जो वीडियो सबसे अर्जेंट होगी जिसके लिए आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा वो आप 10 दिन बाद देखोगे 15 दिन बाद देखोगे, तो उससे डिले होता चीज़ें, तो ये चीज़ों के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। फिर बाकी इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप आइए वहाँ पर फॉलो करिए, चाहे वहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे तो पर्सनली मैसेज करके भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सीनियर्स जो आपके बैच से निकल के जा चुके हैं बीआईटी सिंदरी में या जो अदर अदर कॉलेजेस हैं वो आज तक मेरे से टच में, और मैं आपको पहले ही एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी जो भी डी टू डी के टॉपर्स रहे हैं, मैं रैंक नहीं भी बता रहा हूँ, मैं बस यही आपको बताऊँगा कि डी टू डी के जितने भी टॉपर्स रहे हैं हम लोग के कॉन्टैक्ट में जितने हैं या फिर हम लोग कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेहतर तरीके से ताकि उनके साथ वन ऑन वन इंटरव्यू हो। मैं सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दर्जनों भर स्टूडेंट्स के साथ वन ऑन वन इंटरव्यू करके, अकेले सिंगल इंटरव्यू करके उनके साथ वो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, मतलब सोच लीजिए आपको फुल ऑन, मतलब के लिए सबसे बेहतर क्या है कि उनके पास उनके सीनियर से रिलेटेड उनके पास जानकारियाँ होनी चाहिए कि कैसे आप लोगों ने तैयारी किया, जैसे हम लोग पूछते ना अपने सीनियर से कि सर आपने कैसे तैयारी किया या मैम कैसे आपने तैयार किया, जो भैया दीदी जो भी आप बोलते हो कि कैसे आपने तैयारी किया, कौन से चैप्टर्स पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया, तो बस उन्हीं चैप्टर्स पे अगर एक नज़र डालें तो मैथमेटिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेरे तरफ से, हो सकता है मेरे तरफ से कुछ छूटी हो, कुछ टॉपिक्स कुछ चीज़ें मेरे तरफ से मिस हो गई हो, तो मैं आपको इसी पे ध्यान देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स से ये हमने कुछ एक सिलेबस आपके सामने रखा है कि आप अगर इन टॉपिक्स से या इन चैप्टर से थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो 60-70% आप सिलेबस इजिली कवर कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे मैथ्स का सिलेबस हो गया, जैसे मैंने इंटीग्रेशन रखा प्लस उसका जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, एरिया बाउंडेड कर्व्स हो गया, चाहे आप और भी जो एप्लीकेशंस होते हैं डिफरेंशिएशन उनके एप्लीकेशंस, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन फंक्शंस वेक्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये सब चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये कवर आएंगी हर साल के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। देखिए 2019 के एग्जामिनेशन में एक पैटर्न देखने को मिला था कि ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ आई थी, मैट्रिक ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा चीज़ें आई थी, लेकिन क्या हुआ कि 2021 के एग्जामिनेशन में तो इंटीग्रेशन को थोड़ा कम कर दिया गया, डिफरेंशिएशन आई, लिमिट डेरिवेटिव्स आई, मैट्रिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए, लेकिन इंटीग्रेशन कम हो गया। लेकिन अब ये सोच के ये तो नहीं छोड़ा जा सकता, अब आपका एक साल एग्जाम नहीं आया तो जरूरी थोड़ी ना कि इस साल भी नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उसे पढ़ें, 60-70% आपका सिलेबस इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप इजिली कवर कर सकते हैं। और हाँ, बहुत ऐसा सोच रहे होंगे कि डिप्लोमा का जो फर्स्ट ईयर सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस होता है उससे कवर हो जाएगा, तो उससे भी आपको कुछ प्रतिशत तक आप सिलेबस इजिली कवर कर सकते हैं। आगे सब्जेक्ट पे बात करें तो मैथमेटिक्स आगे मैंने फिजिक्स का रखा कि इसके 60-70% आप इजिली कैसे कवर कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग जो कंप्लीट पढ़ना नहीं चाहते इलेवन ट्वेल्थ से, ऑब्वियसली बात है बहुत लोग ऐसे हैं, तो काइनेमेटिक्स आप पढ़िए, ग्रेविटेशन पढ़िए, वर्क एनर्जी पावर पढ़िए क्लास इलेवंथ के, फिर ऑप्टिक्स रे एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों जो हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब सेमी कंडक्टर्स हो गए, फिर ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ठीक है। अब ये सब सिलेबस को पढ़िए, इससे आपका 60-70% सिलेबस कवर होगा। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स पढ़ना है कि आप थ्योरी पे चढ़ोगे, अब थ्योरी और न्यूमेरिकल्स पे बात आना चाहिए, तो अगर आप न्यूमेरिकल्स कवर कर सकते हो तो वेल एनऑफ, अब बहुत अच्छा बात होगा, अगर नहीं कर सकते हो तो थ्योरी करो, लेकिन थ्योरी जब करोगे तो बहुत अच्छे से थ्योरी करना, क्योंकि अगर बहुत बेसिक से भी क्वेश्चंस अगर अंडर से भी आते हैं बहुत ज़्यादा अंदर से भी तो आप उसे कवर कर सको, क्योंकि इस बार 2021 में बहुत बेसिक सवाल आए थे कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, फिर ये क्या होता है, इनका क्या होता है, इनका डायमेंशन क्या होते हैं, इनके क्या डायमेंशन होते हैं, तो ये सब सवाल आए थे। इन सवालों में अगर बहुत बेसिक्स आप नहीं पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि इजी एक नंबर आना आपके हाथ में से चला जाएगा, तो फिर उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में आपके सामने स्क्रीन के सामने है, तो बस वही चीज़ मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, बस आप देखिए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके लिए 60-70% कवर हमने ऐसा सिलेबस हमने आपके लिए सामने रखा है, मतलब जो जनरली हर साल की तरह इस साल भी पैटर्न फॉलो होगा, आप पूरा कवर कर सकते हो तो पूरा कवर करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब समझ लीजिए सब कुछ, अब मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, तो अपने में ही वो खुद बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री अपने में ही बहुत ज़्यादा है, मतलब
उसको कवर करने जाइएगा तो हो सकता है बहुत सारी चीजें छूट जाए। तो आप अपने कैपेसिटी के अनुसार पढ़ाई करें। आप देखिए, अगर आपके पास अभी बहुत समय है, 3-4 महीने के आपके पास टाइमिंग है, 3 महीना तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा, 3-4 महीना तो आपके पास ऐसे ही टाइम है, आप उसके लिए धीरे धीरे करके 2-3 घंटे आप हमेशा समय निकालें। सेमेस्टर्स के लिए भी आप अपना समय निकाल कर रखें, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर आपको देख ही रहना है, ठीक है? तो फाइनल सेमेस्टर आपको 6 सेमेस्टर देना ही है, तो हो सकता है सेमेस्टर्स के आसपास ही D2D का एग्जामेशन हो, कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि झारखंड के स्टूडेंट्स ही सब देंगे यहाँ पे आके एग्जाम, तो कभी भी वो झारखंड के सेमेस्टर्स को कभी भी वो कोलैप्स नहीं करवाएंगे, कोलाइड नहीं करवाएंगे D2D एग्जामेशन साथ, चाहे वो पहले हो जाएगा चाहे वो बाद में होगा। तो बस मैं यही आपसे यही विनती करूंगा कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ सपोर्टिव रहें, अपने सीनियर से भी आप जाके पूछिए हमारे बारे में कि हमारा चैनल किस तरह रहा, उनका हमने किस तरह का हेल्प किया, वो आपको खुद ही बता देंगे, वो खुद रिव्यू दे देंगे हमारे बारे में आपको, मैं क्या बोलूँगा वही खुद बताएंगे आपको, अच्छा बताएंगे चाहे बुरा बताएंगे, जैसा भी बताएंगे आप उनको जरूर फॉलो करिए। और आगे कोई भी दिक्कत हो, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिएगा, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए D2D झारखंड का, आप वहाँ पर जाके देखिए, बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज़ देखिए, बहुत सारे पिछले वीडियोज़ हमने D2D के लिए जो बनाए काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो हमने स्टार्टिंग से बताया था, जो बहुत बेसिक, जो मतलब कोई अगर आज तक भी D2D एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानता है तो वो हमारे वीडियोस को अगर देखेगा तो उसको बेसिक से पता चल जाएगा। आप जाके स्टार्टिंग से देख लीजिए वीडियो को, या फिर हमने टेलीग्राम ग्रुप में, आप नए आ रहे हैं तो पिंड हमने जो वीडियोस करके रखा है उस पिंड वीडियोस में आप देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा D2D 2022 के लिए अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो कैसे आप तैयारी करें। फिर उसके बाद हमने जो हाउ टू प्रिपेयर फॉर D2D एग्जामिनेशन, अगर वो 2021 के एग्जामिनेशन के लिए भी हमने बनाया हो, चाहे 2020 के एग्जामिनेशन के लिए हमने चाहे बनाया हो, वो सब एग्जामिनेशन के डेट्स बदलते हैं लेकिन उसमें पैटर्न, उसके तौर तरीके कभी नहीं बदलते, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वो बस इसलिए वहाँ पे दिखाया हुआ है 2021 और 2020 देख के आप उस वीडियो को नहीं स्किप करिएगा, 2020-21 का मतलब सिर्फ उस वक्त के लिए है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उन सब पुराने वीडियोस को भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए। नोट्स के लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं, मेरे एग्जामिनेशन कुछ कुछ सामने हैं, तो मेरे एक बार एग्जामिनेशन खत्म होने हो जाने दीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। पहले भी हमने अरिहंत के कुछ नोट्स भेजे हुए, हैंडबुक भेजे हुए फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मीडिया फाइल्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? और कुछ और एग्जैगरेटेड नोट्स आपको कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है? तब तक आप सपोर्टिव रहिए, प्लीज़ बी सेफ।